उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार से बेहतर अपनी सरकार को बताया। परंपरागत उत्पाद के साथ जिन्होंने अपनी आजीविका के साथ जुड़ा है उनके स्वावलंबन की दिशा में जो बेहतर प्रयास हुआ है, हमें इसको और तेजी करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब इसमें हम लोग इसको एक मार्केट उपलब्ध करा देंगे, इसके जो मिडिल मैन की स्थिति है उसको हम बाहर उससे बाहर कर देंगे और हस्तशिल्पी को या इस उत्पाद से जुड़े हुए उद्यमी को जब उसकी उत्पाद का पूरा दाम मार्केट में सीधे उसके पास मिलने लग जाएगा तो कई गुना मुनाफा वह व्यक्ति कमाने की स्थिति में होगा। और आज जो दीनहीन स्थिति इस प्रदेश में एमएसएमई से जुड़े हुए इन उद्यमियों की बन चुकी थी, मेरा अनुमान है धीरे धीरे करके इसमें बेहतर सुधार होगा और न केवल ये स्वावलंबन की ओर बल्कि इनकी खुशहाली के साथ प्रदेश की खुशहाली जुड़ पाएगी। इस विश्वास के साथ मैं धन्यवाद दूंगा इस विभाग के मंत्री को, श्री सत्यदेव पचौरी जी को, उनकी पूरी टीम को और अपने चीफ सेक्रेटरी को जिन्होंने इसमें वास्तव में रुचि ली। मैंने उनको एक आइडिया दिया था, मैंने कहा भी अगर ये होगा तो इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं और वास्तव में मैं इस बात के लिए उतावला था। मैंने एक बार नहीं तीन तीन बार इनके प्रेजेंटेशन को अपने सामने प्रस्तुत कराया कि कैसे आप करेंगे। पहली बार लाए मैंने एक तरह से 5 मिनट में देखा, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, मैंने कहा भी नहीं ऐसे नहीं होगा। दूसरी बार लाए थोड़ा सुधार था, मैंने कहा इसमें और सुधार की गुंजाइश है। और तीसरी बार जब ये लोग लेकर के आए तो मुझे लगा कि नहीं अब उत्तर प्रदेश दिवस इसके लिए सबसे उपयुक्त दिवस होगा जिस दिन हम इसका प्रस्तुतिकरण उत्तर प्रदेश दिवस के दिन इसकी घोषणा करके और इसको प्रदेश के अंदर लागू कर पाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के बाद 2 बड़े समिट इससे संबंधित और हो चुके हैं और आज प्रदेश के अंदर हर जनपद से जुड़े हुए उत्पाद की दिशा से हम इस प्रकार के समिट को करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों उन उद्यमियों को एक बार पुनः स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की दिशा में बेहतर प्रयास हम सब के स्तर पर हो सकता है। सीएम योगी राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। SPN न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।